तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन में बोला गया है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियोन लैम्प्स, यानी कि 400 नियोन लैम्प्स के यहाँ पे लाइफ टाइम दिया गया है, यानी कि नंबर ऑफ लैम्प्स दिए गए यहाँ पर, यानी कि 14 लैम्प्स ऐसे थे जिनकी लाइफ टाइम 300 टू 400 आवर थी। तो इसी तरह से नंबर ऑफ लैम्प्स की अलग अलग लाइफ टाइम्स दे रखी है यहाँ पर। यह बोला जा रहा है कि रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, यानी कि जो टेबल दिया गया है हमारे को उसको रिप्रेजेंट करना है, हमारे को किस पर, हिस्टोग्राम पर रिप्रेजेंट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इस टेबल को बनाते हैं हिस्टोग्राम पर। तो हम अपना पहले जो होगा हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर इस तरह से। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, और यहाँ पर जब एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे 300 से स्टार्ट है, यहाँ पे जो लाइफ टाइम जो यहाँ पे जीरो से स्टार्ट नहीं है, तो 300 से स्टार्ट है। यहाँ पे जंप लेने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ये निशान डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमने अपना एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि ये नंबर ऑफ लैम्प्स है, ठीक है। इसको इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर हम इंटरवल ले लेंगे, यहाँ पे जीरो हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे 10 10 का इंटरवल ले लेंगे, तो ये 10 20 30 40 50, तो ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 14 बोला गया है, 14 के लिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से हम अपना स्टार्ट करेंगे। तो 14 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे ले लेंगे इसको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 10 से 20 के बीच में 15 को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे ले लेंगे, तो ये हमारा 14 को रिप्रेजेंट कर देगा यहाँ पर इस तरह से। ये हमारा 14 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सा इंटरवल था, 300 से लेकर 400 का। अब 400 से 500 जाना 56 पे, तो 56 हमारा यहाँ पर कहाँ पर होगा, यहाँ 56 जो होगा हमारा इस पर होगा, यानी कि इससे थोड़ा सा ऊपर। तो 56 को हम यहाँ से इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये हमारा हो गया 56। तो ये 400 से 500 वाला था, तो ये हमारा हो जाएगा 500। 500 से 6 है तो कितना है, वो 60 है, तो 60 यानी कि इससे अबव होगा, तो 60 का पॉइंट हमारा क्या होगा, ये वाला होगा, ये हमारा 600 हो गया। अब 600 से 786, तो ये हमारा कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये हो गया हमारा 86, ये 6 से 700 वाला था इंटरवल, और 700 से 800 74 है, तो 74 क्या होगा यहाँ पर, ये 75 को रिप्रेजेंट करेगा, इसको जो मिड होगा इससे थोड़ा सा नीचे हो जाएगा हमारा। यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे ले लेंगे इसको, तो ये हमारा इंडिकेट करेगा 74 को, और ये इंटरवल जो है हमारा 800 का है, और 800 से 962 को, तो 62 यानी कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, इस 60 से ऊपर ले लेंगे हम थोड़ा सा, तो ये इंडिकेट करेगा किसको, 900 से, यानी कि 900 वाले को इंडिकेट करेगा यहाँ पर, और 900 से 1000 तक यानी कि 48 को, तो 48 यहाँ पर कहाँ पर आएगा हमारा, यानी कि 50 से थोड़ा सा नीचे होगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1000, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे लाइफ टाइम इन आवर, ओके।
और जो ये वाली वैल्यू होगी हमारी, ये क्या है, नंबर ऑफ लैम्प्स, तो यहां लिख देंगे नंबर ऑफ लैम्प्स, ये इस तरह से इंडिकेट कर देंगे। तो यहां पे बोला गया था कि इंफॉर्मेशन को हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो यहां पर हमारा हिस्टोग्राम बना लिया हमने। अब बोला जा रहा है कि हाउ मेनी लैम्प्स हैव ए लाइफ टाइम और ऑफ मोर देन 700 आवर, यानी कि कितने लैम्प है यहाँ पर जिनकी लाइफ टाइम जो है 700 आवर से ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो होगा 700 से कम होगा, लेकिन यहाँ से जो इंटरवल स्टार्ट होगा हमारा 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000 तक। तो यहाँ पर जो हमारे ये तीन इंटरवल होंगे, ये ऐसे इंटरवल होंगे यहाँ पर कि जो नंबर ऑफ आवर जो होगा लाइफ टाइम का वो 700 से ज़्यादा होगा। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा सेकेंड वाले का, ठीक है, तो एक इंटरवल हमारे पास ये हो जाएगा 700 से 800 वाला, इसके बाद प्लस कर देंगे 800 से 900 वाला इंटरवल और 900 से 1000 वाला, ठीक है, इन सबको सम कर देंगे तो हमारा निकल कर आएगी वैल्यू 74 प्लस, क्योंकि 700 से 800 के सामने वैल्यू 74, तो इसके सामने 74, ये 62 प्लस 48, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 184, यानी कि नंबर ऑफ लैम्प्स निकल गए हमारे पास 184 लैम्प्स ऐसे हैं जिनका लाइफ टाइम जो है 700 से ज़्यादा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन में दिया गया हमारे को मार्क्स दिए गए हैं यहाँ पर, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी के मार्क्स दिए गए हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, तो बोला जा रहा है कि मेक द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, यानी कि इस टेबल से हमें क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो इन मार्क्स के अंदर यानी कि ये लोअर क्लास लिमिट है और अपर क्लास लिमिट है, तो इस लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट से हम क्या करेंगे, क्लास मार्क बनाएंगे, ठीक है। तो क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी कि इन दोनों को जमा कर दिया, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को और 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्लास मार्क निकल जाएगा इस तरह से। सभी के साथ हम इस तरह से प्रोसेस लगाएंगे और हमारा क्लास मार्क निकल जाएगा। तो सेक्शन ए के मार्क्स दिए गए हैं इस तरह से और सेक्शन बी के मार्क्स दिए गए हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हमारे को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, कैलकुलेटिंग पॉइंट वेयर फ्रीक्वेंसी इज जीरो, यानी कि हम एक पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे जहाँ पे फ्रीक्वेंसी उसकी जीरो होगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, पहले डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि जो क्लास मार्क होता है उनका डिफरेंस जो है सेम रहता है, यहाँ पर सबका डिफरेंस 10 है, तो यानी कि हमारे को क्या करना होगा, यहाँ से 15 में से 5 घटाएंगे या 25 में से 15 घटाएंगे तो हमारा सेम इंटरवल आएगा, सेम आएगा हमारा नंबर यहाँ पर। तो फर्स्ट पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट क्लास मार्क होता है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे -5 आ गया, और जो हमारा लास्ट वाला इंटरवल होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, जो डिफरेंस निकलता है उसको प्लस कर देते हैं लास्ट वाले में, और फर्स्ट वाले में क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो इस तरह से हमारे को पॉइंट मिल जाते हैं। तो वी प्लॉट पॉइंट्स, तो यानी कि -5 से लेकर 0 तक, ठीक है, और 55 से लेकर 0 तक। इस पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी 0 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी ली हमने यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो होगी हमारी 0 होगी। अब क्या करना है हमारे को, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए हम अपना ग्राफ को ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ये हमारा होगा वाई एक्सिस, और यहां पर हम बना लेंगे अपना एक्स एक्सिस इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया, यहां पर जीरो होगा हमारा, तो यहां पर हम ले लेंगे पॉइंट -5 को और यहां ले लेंगे -10 को, ओके। तो -5 जो हमारा पॉइंट लेना था यहाँ पर, हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, अब हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे यहाँ पर, ये 20 हो जाएगा, 30, 40, 50 और ये 60, इस तरह से हमने यहाँ पे पॉइंट को प्लॉट कर लिया है। और जो हमारे पॉइंट रहेंगे जो ऊपर की तरफ चलेंगे, यहाँ पे क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20। तो अब हम ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रॉ करना
स्टार्ट करते हैं। तो पहला बोला गया है क्लास मार्क के अंदर 5 बोला गया है, और उसके सेक्शन ए के अंदर कितना बोला गया है 3 बोला गया है। तो यहाँ पर 0 से 10 के बीच में कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है, तो 5 इधर आ जाएगा, और जो उसका हमारा सेक्शन ए का जो मार्क्स होगा वो क्या होगा 3 है। तो हमारा पॉइंट कहाँ पर आएगा, इस पर आएगा वो पॉइंट, ओके। अब बोला गया 15, तो यानी कि 10 और 20 के बीच में आएगा 15, और 9 के लिए बोला गया है सेक्शन ए के लिए। तो क्लास ये 15 जो होगा हमारा 15 इसके बीच में आएगा, और यहाँ पर जो सेक्शन ए के मार्क्स से जो 9 है वो यहाँ पर आएंगे। तो जो हमारा पॉइंट होगा वो 10 और 8 के बीच में होगा 9, यहाँ पे पॉइंट ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। फिर 25 से लेकर 70 तक जाना है, तो 25 इनके बीच में आएगा यहाँ पर, और 70 जाना है, तो यानी कि इनके बीच में आएगा। तो हमारा जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पर होगा इस वाले पे, ओके। अब बोला गया 35 से लेकर 12 तक, तो 35 क्या यहाँ पर आएगा 30 और 40 के बीच में आएगा, 35 यहाँ पर और 12, तो 35 और ये यहाँ पर 12 जो हमारा पॉइंट ये हो जाएगा इस तरह से, ओके। 45 और 9, तो 45 इन दोनों के बीच में आएगा और 9 यहाँ पर आएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सारे पॉइंट पॉइंट यहाँ पर ले लिए हमने, और जो बोला गया है फ्रीक्वेंसी जो है सबसे लास्ट में 55 पे थी, तो हमारा जो एंड पॉइंट होगा वो हमारा ये वाला होगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारी 55 होएगी। तो ये हमारा 55 वाला पॉइंट होगा यहाँ पर, और ये हमारा कौन सा वाला पॉइंट था, ये -5 वाला था, ठीक है। तो ये -5 यहाँ पर ले लिया हमने, और जो 55 था हमारा ये था, ताकि हमारा फ्रीक्वेंसी जो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है पूरा कंप्लीट हो जाए। तो अब यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देंगे हम पॉइंट्स को, इस तरह से ज्वाइन कर देंगे इसको, यहाँ से ये ज्वाइन हो जाएगा इस तरह से, इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पे इस पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, और ये हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ से इसको पूरा क्लोज कर देंगे इस पॉइंट पर लेकर। हमने यहाँ पर सेक्शन ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ कर लिया है, अब हम सेक्शन बी का पॉलीगन ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो 5 5 है यहाँ पे पॉइंट, तो यानी कि 5 होगा, तो यहाँ पे 5 होगा इधर को बिल्कुल मिड में इसके, और ऊपर सेक्शन बी के अंदर 5 जो मार्क्स के लिए हैं वो ऊपर चला जाएगा यहाँ पर इस जगह पर, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला बोला है 15 और 19, तो 15 कहाँ पर आएगा यहाँ पर, और 19 कहाँ जाएगा इसके बिल्कुल सीध में यहाँ पर, इस तरह से ये जाएगा हमारा 19 इस पॉइंट पर, ठीक। अब बोला गया है 25 और 15, तो 25 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और 15 हमारा कहाँ पर आ जाएगा इधर आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ से ये जाएगा हमारा 15 इस पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 15 हमारा कहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 16 और 14 के बीच में हमारा ये वाला पॉइंट होगा, 15 जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 35 होगा हमारा, तो 35 यहाँ पर आएगा इस वाले पॉइंट पर, और ये कितना होगा 10 तक जाएगा। तो यहाँ से 35 से लेकर हम यहाँ पे कहेंगे ये आएगा हमारा 10 का पॉइंट, ठीक है, और 45 से लेकर 1 आएगा, तो यहाँ पे 45 होगा, और 1 कहाँ पर आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा इस वाले पॉइंट पर। तो अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर हम इस तरह से, ये हमने यहाँ पे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है। अब पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर हम ये जो हमारा बना ये वाला फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना है, ये हमारा किसका है, सेक्शन बी का है, ये सेक्शन बी के लिए है, और जो हमारा ये वाला फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना है ब्लैक वाला, ये हमारा किसके लिए है, सेक्शन ए के लिए है, ये हमारा सेक्शन ए के लिए है। तो यहाँ पे बताना है हमारे को, तो यहाँ बोला गया है कि कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टू सेक्शन, तो यहाँ पे दो सेक्शन को कंपेयर करना हमारे को। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि सेक्शन बी जो है और सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए जो है वो बी के थोड़ा सा राइट साइड के अंदर है। तो यहाँ से हमारे को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से पता लगता है कि सेक्शन ए की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर देन बी है। तो यहाँ हम लिख देंगे इसके लिए
परफॉर्मेंस ऑफ सेक्शन ए इज बेटर देन सेक्शन बी, यानी कि जो ए की परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेटर है किससे, बी से, ठीक है। और यहां पे लिख देंगे हम यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा, और यहां पे लिख देंगे मार्क्स जितने उनको मार्क्स मिले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। यहां बोला गया है कि नंबर ऑफ लेटर्स दिए गए हमारे को 1 to 4, 4 to 6 और 6 to 8, इस तरह से इंटरवल के अंदर हमारे को नंबर ऑफ लेटर्स दिए गए हैं। और बोला गया कि नंबर ऑफ सरनेम 6 है, 30 है और 44 है, 16 और 4 है, यानी कि 6 से 8 लेटर वाले 44 सरनेम है, 4 से 6 लेटर वाले 30 सरनेम है। तो इस तरह से हमारे को डाटा दिया गया है। बोला गया है कि इसका हमारे को हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। क्या बनाना है हमारे को यहाँ पर, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है इस डाटा का। तो हमारे पास जो सरनेम्स की फ्रिक्वेंसी दी गई है उसको पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, एडजस्टेड करना पड़ेगा। तो करंट इंटरवल निकालेंगे पहले, जैसे 4 - 1 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा। 6 - 4 करेंगे तो कितना आएगा, 2। 8 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2। और 12 - 8 करेंगे तो कितना आएगा, 4। और 20 - 12 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के अंदर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसको करना होगा, हमारे पास सबसे मिनिमम जो इंटर जो सबसे मिनिमम डिफरेंस आया वो कितना आया, 2 आया है, सबसे मिनिमम डिफरेंस 2 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 × 2 अपॉन में करंट इंटरवल। तो 6 × 2 ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। सेम प्रोसीजर लगाएंगे, 30 × 30 × 2 और डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 44 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 44 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा 16 हो जाएगा इंटू में 2 अपॉन में 4, 4 जा कितना 16 हो जाएगा, 4 × 2 जा यहाँ पर आ जाएगा 8 आ जाएगा हमारा। और यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 4 × 2 अपॉन में 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 × 2 जा ये कट जाएगा यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 4 × 2 = 8, 2 × 2 = 1 हो जाएगा। तो हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई है, ठीक है, और हमारे पास नंबर ऑफ लेटर्स इस तरह से है। तो हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं हिस्टोग्राम पर। ये वाई एक्सिस, और यहां पर हमने ले लिया अपना एक्स एक्सिस। तो स्टार्ट करते हैं हम इंटरवल लेना यहां पर। तो यहां पे 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 ये हो जाएगा हमारा 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45 तक ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने कितने तक ले लिया है, 45 तक ले लिया है, क्योंकि हमारी लास्ट जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है कितनी है, 44 है। तो वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम उस चीज़ को। अब हम एक्स एक्सिस पे अपना इंटरवल लेना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो हमने यहाँ पर x एक्सिस पे और y एक्सिस पे अपने इंटरवल ले लिए हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 to 4 कितना रिप्रेजेंट करना है, 4। तो यानी कि यहाँ पर होगा हमारा 1 और यहाँ पर होगा 4, तो कितना रिप्रेजेंट करना है हमारे को यहाँ पर, 4। तो यानी कि 5 से थोड़ा सा नीचे होगा, यानी कि वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ बोला जा रहा है कि 4 to 6 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 4 से 6 जो है 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो जाएगा पूरा
इस पॉइंट तक, 30 तक जाएगा पूरा इस पॉइंट तक, यहां बोला गया है 6 से 8 जो है 44 जा रहा है, तो यानी कि 6 टू 8 जो है यहां पर 44 जा रहा है, तो 45 से थोड़ा सा जस्ट नीचे होगा, तो इस पॉइंट को हम यहां पे ले लेंगे, थोड़ा सा नीचे ले लेंगे, तो ये 44 को इंडिकेट करेगा यहां पर इस तरह से, ये हमारा 44 हो गया। और बोला गया है कि 8 से 12 जो है 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यहां पर 8 से लेकर 12 जो है कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 को, तो 10 से थोड़ा सा नीचे होगा, तो जो पॉइंट होगा हमारा 8 के लिए यहां पर इस तरह से ले लेंगे हम, ये ले लिया हमने यहां पर। और 12 से लेकर 20 तक, यानी कि 12 से लेकर 20 तक जो बोला गया है वो कितना बोला गया, 1 बोला गया है, तो बिल्कुल हल्का सा ऊपर हो जाएगा यहां पर, इस पॉइंट ले लेते हैं हम यहां पर, तो इस तरह से हम 1 को रिप्रेजेंट कर देते हैं यहां पर, ताकि ज्यादा छोटा ना लगे वो, तो इस तरह से। तो यहां पे हमारा क्या हो गया, हिस्टोग्राम रेडी हो गया है, यहां पर हम इसको डाल देंगे एडजस्टेड सरनेम्स, ओके, और यहां पे डाल देंगे नंबर ऑफ लेटर इस तरह से। और सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि विच क्लास इंटरवल मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम, तो किस क्लास इंटरवल के अंदर सबसे ज्यादा नव सरनेम आया है, तो यहां पर 6 से लेकर 8 ऐसा जो इंटरवल है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम है, 6 to 8 क्लास इंटरवल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। बोला जा रहा है कि ड्रॉ ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा अबव, यानी जो डाटा दिया गया हमारे को इसको में क्या करना है, हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पर दे रखिए एज 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 10, 10, 15, 15, 2, 17। तो यहां पर क्या है कि इनके बीच का डिफरेंस है वो क्या है, अलग अलग है, यानी कि जो विड्थ है मैंने क्लास विड्थ जो है वो क्या है, अलग अलग है। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखे हैं इस तरह से, तो जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखे हैं हमारे को ये फ्रिक्वेंसी दे रखी है कि भाई 1 से 2 वाले जो एज के बच्चे हैं वो 5 है, 2 से 3 वाले जो बच्चे हैं वो 3 है, तो यानी कि जो एजिस है अलग अलग टाइप की एजिस है उनके नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखे हैं, यानी कि इसको हम फ्रिक्वेंसी बोल सकते हैं। तो करंट इंटरवल कितना दे रखा है इसके अंदर वो हम कैलकुलेट करेंगे पहले, और करंट इंटरवल निकालते कैसे हैं, यानी कि 2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, या 3 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, या 5 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आएगा, और ये 10 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 15 माइनस 10 करेंगे तो 5 आएगा, और ये 17 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि अपर क्लास लिमिट में से एक तरह से लोअर क्लास लिमिट को यहाँ पर घटा दिया गया है एक तरह से हम कह सकते हैं, और यहाँ पर करंट इंटरवल कैलकुलेट कर लिया गया है। अब करंट इंटरवल कैलकुलेट करने के बाद जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखे हैं, जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इस फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो सबसे कम डिफरेंस होगा वो मल्टीप्लाई में जाएगा और डिवाइड बाय ये करंट इंटरवल आएगा। इसका मतलब क्या है कि एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या होगा, 5 होगा, और मल्टीप्लाई बाय इनके अंदर सबसे कम डिफरेंस किसका आया है, जो सबसे कम वैल्यू आई है वो है 1, फिर 2 आ रही है, फिर 3 आ रही है, 5 आ रही है, तो हमेशा मल्टीप्लाई में 1 आएगा और डिवाइड बाय जो करंट इंटरवल निकला होगा वो आएगा, तो हमारे इसका फर्स्ट आ जाएगा 5 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय सबसे कम कितना आ रखा था, 1, और डिवाइड बाय 1, तो इसका फ्रिक्वेंसी भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 6 मल्टीप्लाई बाय 1 और डिवाइड बाय 2, तो 2 से 6 को डिवाइड करें कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ओके। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 12 ले लेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 और डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसी तरह से सेम प्रोसेस चलता रहेगा, 9
मल्टीप्लाई बाय वन और डिवाइड बाय थ्री, तो थ्री से जब डिवाइड करेंगे हम इसको नाइन को, तो कितने पे जाएगा, तीन पे जाएगा। तो ये टेन हो गया यहाँ पर, टेन मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन में फाइव, तो फाइव से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, टू पे जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आएगा फोर मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन में टू, तो ये आ जाएगा हमारा टू। तो ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमारे को कि यहाँ पे वन वन ही आ रहा है। यहाँ पे वन वन क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि जो सबसे कम डिफरेंस जो था हमारे को वो यहाँ पर लेना होता है, तो सबसे कम डिफरेंस जो था इनके एजेस के अंदर वो हमारा वन ही आया था, तो इसलिए यहाँ पर सब जगह पर वन वन आया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना हिस्टोग्राम बनाते हैं इस डाटा से लेकर, इस डाटा का हम हिस्टोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, एक्स और ये वाई हो गया, ठीक है। यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ये हमारा कितना होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी। अब हमें क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर करना क्या है हमारे को, रिप्रेजेंट करना है। तो देखो वन से टू रिप्रेजेंट करना है, कहाँ तक, फाइव तक। तो वन हमारा कहाँ पर आएगा, जीरो और टू के बीच में यहाँ पर वन आएगा यहाँ पर हमारा, और कहाँ तक जाना है, फाइव तक जाना है, क्योंकि हम यहाँ पर इस नंबर इस वाली फ्रिक्वेंसी को ना लेकर जो एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी है उसको लेंगे हम यहाँ पर, तो फाइव पे जाना है हमारे को। तो फाइव कहाँ तक है, इस पॉइंट तक है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये वन से टू हो गया हमारा, अब टू से थ्री जाना है थ्री पर, तो यानी कि टू से थ्री पे जाना है, कितने पर, थ्री तक। तो हमारा इंटरवल कहाँ तक जाएगा, इधर तक जाएगा, टू से थ्री थ्री पर। तो ये वाला पॉइंट होगा हमारा यहाँ पर और ये वाला पॉइंट होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा इस तरह से। अब थ्री से फाइव जाना है हमारे को थ्री पर, अब यहाँ पे थ्री है और थ्री से कहाँ जाना है हमारे को, फाइव पे जाना है, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के इसी पे कॉइंसाइड करेगा, इस तरह से, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फाइव से सेवन को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे फाइव होगा हमारा इस वाले पॉइंट पर और सेवन कहाँ होगा, इस वाले पॉइंट पर होगा। तो फाइव से सेवन कितना होगा, हमारे पास सिक्स होगा, ठीक है। तो हमारी वैल्यू हो जाएगी अब यहाँ पर सिक्स तक जाएगी पूरी, यहाँ तक इस तरह से, सिक्स पर हो गई। अब हमारी वैल्यू जो ड्रॉ करनी है सेवन से टेन पर करनी है, तो यहाँ पर सेवन है और टेन हमारा यहाँ पर है, और ये कितने पर जाएगा, इसका थ्री पर जाएगा, तो यहाँ तक जाएगा हमारा थ्री, ये इस पॉइंट तक, तो यहां पर हमने थ्री को ड्रॉ कर दिया इस तरह से, ठीक है। अब यहां पे ड्रॉ करना है टेन टू फिफ्टीन, यानी कि टेन से लेकर फिफ्टीन तक कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, और कितना है इसका वाई एक्सिस पे, कितनी वैल्यू चाहिए, दो पर। तो यानी कि हमारी दो पे कहां तक जाएगी, इस पॉइंट तक जाएगी दो पे वैल्यू, और जो इंटरवल होगा क्लास इंटरवल जो हमारा कौन सा है, 10 टू 15, तो 10 टू 15 यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से, ये हो गया ड्रो। अब 15 से 17 ड्रो करना है, तो कितना है उसका, एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी 2 है, तो एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी 2 ही होगा, और 70 तक जाएगा तो इसका बीच का मिड पॉइंट होगा बिल्कुल यहाँ पर, तो ये इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा लास्ट इंटरवल था ये 17 तक। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या करा है, इस पूरा टेबल का हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दिया है।